तो यार हम सब ने आसमान से होने वाला स्पार्क यानी बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जरूर सुना होगा या देखी जरूर होगी। सब ने बारिश का इंजॉय किया है तो सब ने जरूर से जरूर एक बार तो जरूर देखी है अपनी लाइफ में। सो आज बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि वो कैसे जनरेट होती है और उसका वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, वो एसी होती है या डीसी होती है, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, उसकी मैक्सिमम करंट क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। तो पहली चीज़ ये होती है जो बादल होते हैं वो जब स्काई में ऊपर जाते हैं आसमान में ऊपर की तरफ तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। सो जो उसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो आइस फॉर्म में यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में जमना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बादल जो है मूव करते हैं अपने डायरेक्शन से इधर से उन पर ना चार्ज आ जाता है। सो होता क्या है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जितने भी वहाँ पर बादल होते हैं सब में स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है तो जब एयर चलती है तो सब टकराते हैं आपस में बादल। सो क्या होता है अगर दो बादल आपस में टकराए और दोनों का चार्ज पार्टिकल ऊपर वाला पॉजिटिव है तो दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट होगा जो कि कई डायरेक्शंस में फैल सकता है। रियर होता है तब अर्थ की तरफ वो, यही जो स्पार्क होता है ये हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट पर अगर गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऑन स्विच हो या ऑफ स्विच हो तब भी अगर इसका वोल्टेज इतना ज़्यादा हाई होता है कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सो बहुत ज़्यादा डेंजरस। सो भैया बात करें अगर इसी स्पीड की कितने देर में अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है तो ये पहुंच जाती है 0.2 सेकेंड यानी कि 22,400 किलोमीटर की स्पीड से ये चलती है और इतनी जल्दी पहुंच जाती है। अगर बात करें इसके टेम्परेचर की तो इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी हार्म कर जाती है और पूरा मेटल जितने भी मेटल वगैरह पे गिरती है वो सारे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये थोड़ी सी हार्म इसलिए होती है कि इसमें एक्सरेज गामा रेज भी सारी प्रेजेंस होती हैं क्योंकि ये कोई जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली नेचर से जनरेट होती है। इसमें कौन कौन सी रेज होती हैं ये पूरी तरह से तो कन्फर्म नहीं किया गया लेकिन हाँ दो रेज का अनुमान लगा। और अगर बात की जाए करंट की तो करंट होती है 15,000 एम्पियर से लेकर के 20,000 एम्पियर तक की, वो वैरी करती है कि विड्थ कितनी है इसकी। सो अब बात आती है कि ये एसी होती है या फिर डीसी होती है। सो भैया पहली चीज़ एसी प्योर एसी होने के लिए इसमें साइनोसोडल वेव होनी चाहिए, साइनोसोडल वेव्स होनी चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। कभी भी इसकी पिच हाई हो जाती है, कभी भी लो हो जाती है, तो इसे डिसाइड नहीं हो पाता कि ये एसी है, डिसाइड नहीं हो पाता है कि ये एसी किस फॉर्म में है क्योंकि प्योर एसी होने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बने हैं हमारे अकॉर्डिंग वो साइनोसोडल वेव्स पे चलते हैं और ये साइनोसोडल वेव्स पे वर्क नहीं करती है। और बात करें अगर ये डीसी है लेकिन ये फिर डीसी भी नहीं होते क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी वेरी कर जाता है, कभी भी रिपल फैक्टर ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे चला जाता है। सो ये प्योर डीसी के फॉर्म में अगर सोचे कि रिपल फैक्टर को हटा के इसको प्योर डीसी बना लिया जाए तो इतना पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका वोल्टेज जो होता है 10 करोड़ के आसपास, रिसर्चर्स का कहना है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो 10 करोड़ वोल्ट्स के आसपास होता है। सो मे बी सो इन सारी बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आसमान से होने वाला स्पार्क यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा वोल्टेज यानी कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, इसका कोई फिक्स यूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि ना ही ये एसी में आती है और ना ही डीसी में। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये हमारी अकॉर्डिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करती है, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते हम। सो ये बढ़ती रहती है समय के साथ और ग्लोबल वार्मिंग के साथ। सो ग्लोबल वार्मिंग कम करें भैया, कम से कम एसी का यूज़ करें। पसंद आइए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में घंटी बटन को बता दिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको